मेरा नाम धीरज सलारिया है, मैं रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का, और मैं आज एलजी साहब से एक डिमांड रखना चाहता हूँ अपनी कि जो रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं इनको रेगुलाइज किया जाए, और जो इनका टाइम पीरियड दिया है, प्रोविजन पीरियड है इनका 7 साल से कम करके 2 साल का किया जाए, और जो इनकी मंथली सैलरी दी जाती है इनको 3,000 रुपया मतलब 100 रुपीज पर डे, वो बढ़ा के बेसिक सैलरी तक की जाए ताकि वो लोग भी अच्छे से सर्वाइव कर सके। आज के टाइम पे 100 रुपीज से कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, और एक हमारी कमेटी बनाई गई थी 27 फरवरी 2020 को, उस फरवरी का आज उस कमेटी का आज तक कोई डिसीजन नहीं आया है, 7-8 महीने हो गए हैं। तो मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कमेटी का डिसीजन लाएं जल्दी से जल्दी, और साथ में अगर कुछ दिनों में हमारा फेवर में एलजी गवर्नमेंट जो है वो हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेती है तो रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पूरे जम्मू कश्मीर में, यूटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबल जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगी। थैंक यू। मेरा नाम धीरज सलारिया है, मैं रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स फॉर्म का वाइस प्रेजिडेंट हूँ। कहूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी सर से कि सर जो रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, और जो उनका टाइम पीरियड प्रोविजन 7 साल से कम करके उसको 2 साल का किया जाए, और जो उनकी मंथली सैलरी है 3,000 रुपीज उस सैलरी को इंक्रीज करके बेसिक सैलरी की जाए ताकि वो लोग भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। जो उनके लिए कमेटी गठित की गई थी 27 फरवरी 2020 को, 8 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है। मैं ये